Good evening, friends. This is Vineet from Pratham, and today we are going to discuss a concept about an institution called NITI Aayog. So, NITI Aayog, what is the full form of NITI Aayog? NITI Aayog full form is National Institution for Transforming India. So, NITI Aayog was established on 1st of January 2015. And you know, आपको as you must have heard, आपने सुना होगा that 2014 में May के month में, in the month of May, UPA government was replaced by NDA government, और NDA government power में आई and श्री नरेंद्र मोदी became the Prime Minister of India. उस समय तक 2014 तक हमारे देश में planning commission काम करता था planning के लिए, जितनी भी economic policies होती थी इंडिया के अंदर, जितने भी रिफॉर्म्स होते थे तो बेसिकली वो प्लानिंग कमीशन के अंडर था, प्लानिंग कमीशन वो करती थी. सो प्लानिंग कमीशन वाज एबॉलिश्ड इन द ईयर 2014 एंड प्लानिंग कमीशन का एज अ रिप्लेसमेंट जो इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया गया इंडिया में, दैट इज कॉल्ड नीति आयोग. सो नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2015 ऑन 1st of January. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ नीति आयोग. सबसे पहले तो आप ये समझिए कि नीति आयोग है क्या. नीति आयोग इज एक्चुअली द पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जितनी पॉलिसीज हैं, एजुकेशनल पॉलिसीज, रिफॉर्म्स, जैसे डिजिटल इंडिया आपने सुना होगा, अटल इनोवेशन मिशन सुना होगा, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, यू नो, हेल्थ केयर, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, ये सारी चीज़ें नीति आयोग एक्चुअली कम्स अप विद दीज पर्टिकुलर रिफॉर्म्स. एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो नीति आयोग का जो एम है, द एम इज टू यू नो टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. जो भी देश के यू नो सस्टेनेंस के लिए जो हम डेवलपमेंट पॉलिसीज बनाएंगे वो नीति आयोग बनाती है. एट द सेम टाइम नीति आयोग का एक और सबसे मेन एम है टू एनहांस यू नो द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, राइट, अलॉन्ग विद द वेरियस स्टेट्स. सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को पॉलिसी मेकिंग में एज अ स्टेक होल्डर बना करके हम आगे बढ़ें और देश के लिए बेसिकली हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम ग्रोथ अलॉन्ग विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड यू नो सम ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ हम वो सब अचीव करें. ये बेसिक नीति आयोग का ये मेन पर्पस है, मेन एम है. तो आप इसमें एक चीज़ देखेंगे कि इस नीति आयोग में इस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि स्टेट्स को पार्टिसिपेट करना है ग्रोथ प्रोसेस में. तो नीति आयोग के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर भी हैं परमानेंट मेंबर में, राइट, और दिल्ली और पुडुचेरी की भी सीएम चीफ मिनिस्टर जो हैं वो नीति आयोग के परमानेंट मेंबर्स में हैं. जितने यूनियन टेरिटरीज हैं उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स भी नीति आयोग के परमानेंट मेंबर्स में हैं. नाउ लेट अस सी, हमने अभी देखा कि नीति आयोग का फंक्शन क्या है. लेट अस सी हु आर द की मेंबर्स और की पीपल इन द नीति आयोग. फर्स्ट ऑफ ऑल, नीति आयोग इज हेडेड बाय चेयरमैन. बाय डिफॉल्ट द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. प्राइम मिनिस्टर हमेशा नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं. द सेकेंड पर्सन इज वाइस चेयरमैन. So we have a vice chairman as a person called Rajiv Kumar, Dr. Rajiv Kumar. He is an economist. अगर मैं Dr. Rajiv Kumar का थोड़ा credential आपको बताऊं, तो मैं आपको ये कह सकता हूं Rajiv Kumar के बारे में कि he is a very seasoned economist, right? वो Asian Development Bank के principal economist रह चुके हैं. वो CII और FICCI के chief economist रह चुके हैं. वो Indian Institute of Foreign Trade के former professor रह चुके हैं, right? He has also played the role of, in the capacity, he was also the advisor to the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance to the Government of India, right? So he is academically as well as he's, you know, very much qualified in terms of policy making and, you know, all those stuffs. So we have a very seasoned economist, Rajiv Kumar, as the vice chairman of NITI Aayog. Let us look at the full-time members. मैंने आपको पहले भी बताया कि permanent members सारे states के chief ministers, including Delhi and Puducherry CM, along with all the union territories के जो जो आपको lieutenant governors हैं, right? वो भी basically NITI Aayog के permanent members हैं, right? Full-time members चार हैं. First is Professor Vivek Debroy. He's an economist, right? Professor Vivek Debroy ने बहुत अलग-अलग committees and panels head किया है, जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बनाती है देश के लिए. सेकेंड इज प्रोफेसर बी के सारस्वत. ही वॉज द फॉर्मर चीफ ऑफ DRDO, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. इन्होंने बेसिकली पृथ्वी मिसाइल, जो मिसाइल बनाने में इन्होंने काफी इंस्ट्रूमेंटल रोल इन्होंने प्ले किया है. धनुष, पृथ्वी, ऐसे करके काफी मिसाइल्स बनाने में इनका बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रोल है, राइट. सो ही इज अ साइंटिस्ट और नीति आयोग के पॉलिसीज बनाने में बेसिकली ही इज प्लेइंग अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल रोल.
Third is Professor Ramesh Chand. He's an agriculture scientist, right? Jo agriculture reforms, agriculture mein kya hona chahiye and all those things. So basically he has a lot to contribute in the NITI Aayog as a, you know, full-time member. And Dr. Vinod K. Paul. Dr. Vinod K. Paul was former head of pediatrics in the AIIMS, All India Institute for Medical Science. उसमें वे हेड करते थे इस डिपार्टमेंट को. एंड एक सबसे बड़ी बात है पॉल साहब के बारे में कि ही इज वर्ल्ड वाइड इज नोन एज एन यू नो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, राइट? सो ही हैज इवन अ वेरी गुड ग्रेट रोल टू प्ले एज अ परमानेंट एज अ फुल टाइम मेंबर इन द नीति आयोग. लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको ये बता दूं कि नीति आयोग की एक सीईओ भी होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होते हैं, राइट? एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज अ ब्यूरोक्रेट, इज एन आईएएस ऑफिसर एंड हिज नेम इज अमिताभ कांत. So friends, this was all about NITI Aayog. We'll keep you posted with, you know, new videos. So do watch the videos, upcoming videos, which we are going to post. Thank you so much.